हेलो फ्रेंड्स, आज जो सबसे ज़्यादा पूछे वाला क्वेश्चन है, जो कमेंट में सबसे ज़्यादा आ रहा है, कि जो स्कॉलरशिप है इग्नू में, कुछ डिसेबल्ड के लिए है, कुछ SC ST के लिए है, उसको लेने का पूरा प्रोसेस क्या है। कोई भी जो है इस बारे में नहीं बता रहा है बस। तो मैंने इसके बारे में कुछ वीडियो बनाया था एक पहले, तो उसमें कि बहुत सारी कॉमेंट्स ऐसे आए कि क्या, तो हम उसको कैसे ले सकते हैं स्कॉलरशिप को। तो आज मैं उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि SC ST डिसेबल्ड उनको जो है अपनी स्कॉलरशिप कैसे लेनी है, कैसे उसका पूरा प्रोसेस है। अगर फिर भी आपको कोई उसमें डाउट होता है तो आप अपने रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको अप्लाई जल्दी से जल्दी करें। और सभी को ये वीडियो जो है ज़रूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। मैं वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो जो इग्नू ने लिखा है कि जो इग्नू के अंदर इनरोलमेंट होगा स्टूडेंट, तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसकी जो है मैं लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाला नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है, उस पर अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में भरनी है सबसे पहले। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे उसको भरना है, और स्टूडेंट को जो है कॉन्टैक्ट करना है अपने रीजनल सेंटर पे उसको भरने के बाद। ठीक है, जो SC ST के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई करना है फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए, कि हमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर प्री मैट्रिक, क्योंकि हम जो है BSc BA BCom के लिए अप्लाई करते हैं, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए हमको अप्लाई करना है। किसको? प्री मैट्रिक के लिए नहीं, बल्कि पोस्ट मैट्रिक या कॉलेज के लिए जो अवेलेबल होती हैं स्कीम्स, कई स्कीमें मैं आपको दिखाऊंगा, उनमें से जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसके लिए स्कीम को अवेलेबल करना है। और उसके अंदर जो ये नीचे वाला लिंक है, ये मैं आपकी वीडियो में डाल दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके उसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर वाला भी जो स्कॉलरशिप के लिए जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वो, और जो ये PDF है SC ST के, इसके लिए जो socialjustice.nic.in के ऊपर अवेलेबल है वो भी। तो इसमें बताया गया है कि सोशल ट्राइब जो है ना, उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंट अवेलेबल है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत, और इसका जो लेटर है ये नीचे दिया गया है। तो इन सबको जो है, सभी को, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए आपकी जो पूरी फीस है वो एक्सक्यूज हो जाएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर जाना है, वहाँ पर अपनी फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जब आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे दिया है न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना है, अप्लाई करना है, फिर जो है एप्लीकेशन को जो है इंस्टीट्यूट वगैरह सर्च करके अपना उसका सेंशन लेना है सेंशन लिस्ट में। इसमें पूरा आपको उसको थोड़ा गहराई से पढ़ना है, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, स्कॉलरशिप की कौन कौन सी कैटेगरी है, पोस्ट है, प्री है, ठीक है, BSc BCom वगैरह के लिए भी, यहाँ तक कि IIM IITs के अंदर भी जो है इन सब के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो आप उसका भी पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो BA BCom BSc जो जो प्रोस्पेक्टस के अंदर बताई गई है, उसी के अंदर जो है आप अपनी इस स्कीम का फ़ायदा निकाल लेना है और अपने रीजनल सेंटर पर कॉन्टैक्ट करना है। तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर न्यू रजिस्टर में करके रजिस्ट्रेशन करना है। ये एक लेटर है, ये दिया है ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके लेटर को आप पूरा पढ़ लेना। ठीक है, तो इसके तहत जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये दिखा है। दूसरा एक दिया है सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम फॉर द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लेटर इफेक्ट हुआ है 2018 से। इसके अंदर सोशल एम्पावरमेंट के लिए, जस्टिस के लिए ये बनाया गया है, और इसमें पूरा डिटेल के साथ समझाया गया है। जो स्टूडेंट है उनको इसके 21 पेज का ये है, मैं इसको पूरा ब्रीफ नहीं कर सकता, काफ़ी बड़ी वीडियोज हो जाएगी। ये काफ़ी नॉलेज वाले जो आपके गजट्स हैं और जो लेटर्स हैं, ये आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना चाहिए, ताकि आपको जो है फ्यूचर में भी ये सब काम आए। आपको बहुत बड़ी बड़ी जगह पे पूरी फीस एक्सक्यूज जैसे लेटर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने इसको ढूंढने में बहुत मेहनत की है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो, ताकि ये वीडियो जो है दूसरे स्टूडेंट को मिले, SC ST या डिसेबल्ड स्टूडेंट को, और वो जो है इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक करने से वीडियो दूसरों के पास जाएगा प्लीज़। तो ये दूसरा लेटर है कि इसमें दिखाया गया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जब आप खोलोगे तो इसमें दिखाया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे
सेंट्रल स्कीम के तहत मिनोरिटी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर दिया है। प्री मैट्रिक वाला अभी क्लोज हो गया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अभी ओपन है 2021 की, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप प्रोफेशनल टीचर्स कोर्स के लिए भी अवेलेबल है जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के मिनोरिटीज़ के अंदर में आते हैं। ये जो है डिसेबल स्टूडेंट के लिए बताया गया है, हायर स्टडीज़ के लिए, वो अभी ओपन है 20 जनवरी 2021 तक। तो इसको जल्दी से जल्दी, मैंने वीडियो बनाया था उसके बेस पे कुछ ने पूछा भी था, तो जल्दी से इसको अप्लाई करना, अपना रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट करना इसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के लिए जो मैंने बताया था कि चल रही है SC ST स्टूडेंट के लिए, तो इसको भी जल्दी से अप्लाई करना प्लीज़ यार। और अपने जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको फ़ायदा मिले, क्योंकि डेट लगभग नज़दीक होती जा रही है। आपको फॉर्म भर के आगे अपने रीजनल सेंटर पे भी कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर करो अपने स्टूडेंट को जो आपके चाहने वाले हैं, और उनको जो है बताओ कि भाई ऐसे ऐसे आप जो है हम इसकी स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। ये देखो इसमें दिया है सेंट्रल सेक्टर फॉर द स्कॉलरशिप स्कीम द टॉप क्लास एजुकेशन फॉर द SC स्टूडेंट के लिए टॉप का उनको मिलती है। ये जो है लगातार बढ़ती जा रही है, 2012 में बढ़ा, 16 में बढ़ा और अभी आगे बढ़ गया है। इसकी क्या बताया कि जो लिमिट है वो 8 लाख तक होनी चाहिए, ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये आगे बढ़े 2021 के लिए भी एप्लीकेबल है, स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। अब परिवार की आय जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। एडमिशन तो उसको फुल कोर्स की जो फीस है वो एक्सक्यूज मिलेगी। ये 10 क्लब पेज हैं, आप इसको गहराई से चेक कर सकते हैं। एक ये दिया है जो डिसेबल स्टूडेंट के लिए बोला था ना कि डिसेबल स्टूडेंट की फ़ीस एक्सक्यूज होती है, लेकिन इग्नू में भी जो है वो एक्सक्यूज ले सकता है। आपको ऑनलाइन डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सनल विद डिसेबिलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंदर पूरा बताया गया है। ये बहुत लंबा पेज है, 66 पेज इसके अंदर हैं। इसमें बताया गया कि किस तरीके की एलिजिबिलिटी है, उसकी कितनी इनकम होनी चाहिए, किस टाइप के उनको रिजर्वेशन मिलता है। जो डिसेबल स्टूडेंट है उसको ये प्रिंट करके या PDF में अपने पास रखना चाहिए, और अपने फॉर्म जो है जल्दी से फिलअप करो इस पर न्यू यूजर के अंदर जाके नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत, और फिर अपने रीजनल सेंटर पर कॉन्टैक्ट करो, उनको फ़ोन करो, आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है इससे। तो आशा करता हूँ कि आप सब ऐसा करेंगे और जल्दी करेंगे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप दूसरे स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। तो आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।